दोस्तों मैं गोविंद माली आज के स्टूडियो के माध्यम से मैं आपको अपने SSO ID का जो OTR है उसमें कैसे करेक्शन कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके OTR पर अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आपके OTR है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज है उस पर अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है। दूसरा जो ऑप्शन है आपके अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी कि आपने एक बार OTR को अपडेट कर लिया है तो उसके बाद में ऑप्शन नहीं आ रहा है तो क्या करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 100% सॉल्यूशन इसका जो दोनों ऑप्शंस का जो सॉल्यूशन है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको सबसे पहले SSO ID को लॉग इन करके स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आना होगा। जैसे इस पर आ जाएंगे तो अब आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कैंडिडेट प्रोफाइल वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो कैंडिडेट प्रोफाइल है वो खुलकर ओपन होती है। अब आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने OTR में यदि आप नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो आपके नंबर के ऊपर अपडेट का ऑप्शन आ रहा होगा मोबाइल नंबर अपडेट करने का, उस पर आप क्लिक करके जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आर यू श्योर वांट टू अपडेट मोबाइल नंबर, आपको ओके पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपने नए मोबाइल नंबर यहां पर प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर, यहां पर आपके नए मोबाइल नंबर फिलअप करके एग्री पर क्लिक करना होगा। जैसे एग्री पर क्लिक करके एग्री कर देंगे तो उसके बाद आपके नए मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को फिलअप कर लेंगे तो आपके नए मोबाइल नंबर है वो अपडेट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया मोबाइल नंबर अपडेट करने का। दूसरा ऑप्शन है ईमेल आईडी कैसे अपडेट करें, अपने OTR में मेल आईडी कैसे अपडेट करें। तो जैसे ही अपने मेल आईडी के ऊपर आप देख सकते हैं अपडेट गेट ईमेल फ्रॉम SSO। तो दोस्तों मेल आईडी अपडेट करने से पहले अपने SSO का जो प्रोफाइल है, ये जो आप SSO आईडी लॉग इन कर लेते हैं और SSO आईडी लॉग इन करने के बाद में आप ऊपर की तरफ पेंसिल का निशान दिखते हैं उस पर जैसे क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद में आपको उसमें सबसे पहले नई मेल आईडी आपको अपडेट करनी होगी। वहीं पर जैसे ही नई मेल आईडी अपडेट कर लेंगे तो उसके बाद में यहां पर आपको अपडेट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहां पर मेरे ऑलरेडी अपडेट है, यू कैन नॉट अपडेट ईमेल एज ओल्ड एंड न्यू मोबाइल एंड न्यू SSO प्रोफाइल ईमेल आईडी, यानी कि मेरी ईमेल आईडी सेम होने के नाते ये अपडेट नहीं हो रही है। तो दोस्तों यदि आप इसमें अपडेट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले SSO आईडी के प्रोफाइल में मेल आईडी को अपडेट करना होगा, उसके बाद ही यहां पर मेल आईडी अपडेट होगी। ठीक है, ये तो हो गया मोबाइल नंबर अपडेट और ईमेल अपडेट करने का तरीका। अब आपके मान लीजिए कि आपके नाम या डेट ऑफ बर्थ या उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके फैक डाटा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का एक फैक डाटा का ऑप्शन आ रहा होगा, वो यदि वो ऑप्शन आ रहा है तो आप उस पर क्लिक करके अपने नाम डेट ऑफ बर्थ में आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है उसका मैं सॉल्यूशन आगे बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि आपके अपडेट OTR यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अपडेट OTR, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब मान लीजिए कि आपका नाम डेट ऑफ बर्थ और पिताजी के नाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आपको अपडेट OTR इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं आपका नाम, फादर्स नेम और अब मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने। ये जो बेसिक डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम करेक्शन कर सकते हैं और उसके साथ में मोबाइल नंबर। ठीक है, ये तो हो गया आपके पिताजी का नाम और मोबाइल नंबर अपडेट करने का तरीका, यानी कि आप अपडेट OTR पर क्लिक करेंगे तो आप अपने पिताजी के नाम में संशोधन कर सकते हैं और आपके जो मोबाइल नंबर है उसमें अपडेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ में किसी भी प्रकार की गलती है और यहाँ पर आपके ऑप्शंस नहीं आ रहा है फेक डेटा का, तो आपको क्या करना है उसके लिए आपको यहाँ पर आपको वापस होम पेज पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे होम पेज पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ये देख रहे हैं 4 OTR रिलेटेड क्वेरीज कैंडिडेट मे बी रेफर फेक, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना होगा, सक्रिय निष्क्रिय OTR प्रोफाइल संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपके सामने आप देख सकते हैं ये जैसे ही फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद में आपको
सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करके नीचे दिया गया संदेश आ रहा है, चौथे नंबर पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही चौथे नंबर पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आ रहा है, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एनी एप्लीकेशन फॉर्म डीएक्टिवेट प्रोफाइल, प्लीज फाइल एप्लीकेशन फॉर्म एसोसो आईडी। तो आप देख सकते हैं जब उत्तर क्या लिखा हुआ है कि जब उम्मीदवार एक ही दस्तावेज का उपयोग करके एकाधिक एसोसो आईडी में ओटीआर प्रोफाइल बनाते हैं तो पहले से बनाई गई ओटीआर प्रोफाइल निष्क्रिय हो जाती है, यानी कि आपने नई एसोसो आईडी बना करके नया ओटीआर किया है तो आपका जो पहले वाली एसोसो आईडी का जो ओटीआर है या पहले वाली जो एसोसो आईडी है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। उम्मीदवार निष्क्रिय प्रोफाइल से कोई भी आवेदन पत्र भरने में सक्षम नहीं होगा। तो दोस्तों जैसे ही ये पहले वाली एसोसो आईडी डीएक्टिवेट हो जाती है तो उससे आप नए आप किसी भी प्रकार के फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद में पॉपअप में उल्लंघित एसोसो आईडी का वह एसोसो आईडी से जो है वर्तमान में एक्टिव है, यानी कि आपके पॉपअप पर इस तरह का एक मैसेज आ रहा है तो आप इसका उपयोग किसी भी आवेदन पत्रों को भरने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों आप नई एसोसो आईडी बना करके आवेदन पत्रों को भरने के लिए किया जा सकता है। यदि आप पॉपअप पर उल्लंघित एसोसो आईडी पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया नई एसोसो आईडी बनाए और अपनी नई एसोसो आईडी को पुराने एसोसो आईडी के साथ में मैप करने के लिए helpdesk.sso@rajasthan.gov.in पर मेल करें। तो दोस्तों यदि आपके ओटीआर में अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यदि किसी भी प्रकार की गलती है और अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको एक नए मेल आईडी और नए मोबाइल नंबर से एक नई एसएसओ आईडी क्रिएट करनी होगी। जैसे ही एसएसओ आईडी क्रिएट कर लेते नहीं तो उसके बाद में आपको नया ओटीआर जनरेट करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही नया ओटीआर जनरेट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपकी जो डीएक्टिवेट जो एसएसओ आईडी है, डीएक्टिवेट जो ओटीआर प्रोफाइल है वो निष्क्रिय हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। तो दोस्तों इसका 100% सॉल्यूशन है, आपको नई एसोसो आईडी बनानी होगी, नई एसोसो आईडी बना करके आपको नया ओटीआर जनरेट करना होगा। ये दोनों जनरेट करने के बाद में आपको नई एसोसो आईडी को पुरानी एसोसो आईडी से मैप करवाना होगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको helpdesk.sso@rajasthan.gov.in पर आपको मेल करना होगा मैप करवाने के लिए, ठीक है। कृपया अपनी पुरानी एसोसो आईडी और नई एसोसो आईडी का उल्लेख करें और मेल पर अपने आधार विवरण को आधार विवरण की सॉफ्ट कॉपी संलग्न करें। मैपिंग के बाद अपने सभी दस्तावेज मैपिंग के बाद आप अपने सभी दस्तावेज फॉर्म को पुराने एसोसो आईडी से नए एसोसो आईडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मान लीजिए कि आपके एसोसो आईडी में नाम या डेट ऑफ बर्थ या पिताजी के नाम में किसी भी प्रकार की गलती है तो दोस्तों आपने पहले एक बार तो अपडेट का ऑप्शंस का उपयोग करके आपने एसएसओ आईडी के ओटीआर में अपडेट कर लिया गया है। उसके बाद भी आपके ओटीआर में किसी भी प्रकार की गलती रह जाती है और अपडेट करने का ऑप्शंस नहीं आ रहा है तो आपको नई एसएसओ आईडी क्रिएट करनी होगी, जो नई मेल आईडी और नए मोबाइल नंबर से आपको क्रिएट करनी होगी। उसके बाद में आपको नया ओटीआर जनरेट करना है। जैसे ही नया जो OTR और नई SSO ID क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको पुरानी SSO ID से मैप करवाना होगा। मैप करवाने के लिए आपको मेल भेजना होता है, जो आप देख सकते हैं इस पर आपको मेल भेजना होता है helpdesk.sso@rajasthan.gov.in पर आपको मेल भेजना होता है। उस मेल में आपको क्या लिखना है, कृपया अपनी पुरानी SSO ID और नई SSO ID का उल्लेख करें और मेल पर अपने आधार विवरण की सॉफ्ट कॉपी आपको संलग्न करने। जैसे ही आप मेल कर देते हैं तो आपकी जो नई एसोसो आईडी है वो पुरानी एसोसो आईडी से मैप हो जाएगी। उसके बाद में आप अपने ओटीआर में इस तरह किसी भी प्रकार की गलती का सुधार कर सकते हैं। जो 100% सॉल्यूशन है वो नई एसोसो आईडी बना करके नया ओटीआर जनरेट करना और नए ओटीआर जैसे ही ये जनरेट कर लेते हैं, दोनों एसोसो आईडी और ओटीआर क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको नई एसोसो आईडी को पुरानी एसोसो आईडी से मैप करवाना जरूरी है, ताकि आपके जो पुराने एसोसो आईडी पर जो भरे हुए फॉर्म है वो आपके नए एसोसो आईडी के ऊपर ट्रांसफर हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप अपना 100% सॉल्यूशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।